ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल ख्वातीन हज़रात, मैं हूँ शादाब अली सैयद और आप देख रहे हैं शादाब टॉक्स। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छे ढंग से गुजर रही होगी। आज हम लोग जाएंगे चौका। चौका में आपने मुफ्ती साहब की दरगाह देखी होगी, उसी रोड पर उनका आरबी चिकन हब है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मटकी चिकन और क्रिस्पी चिकन बना रहे हैं। यार मुझे काफ़ी लोगों ने कहा आप वहाँ जाकर उनका मटकी चिकन और क्रिस्पी चिकन ट्राई करें, तो चलिए सीधा चलते हैं आरबी चिकन हब, वहाँ चल के उनका ज़बरदस्त नॉनवेज ट्राई करते हैं। लोकेशन आपको हमने बता दी है, मुफ्ती साहब की जो दरगाह है उसी रोड पे उनकी शॉप है। चलिए सीधा वहाँ चलते हैं और वहाँ चल के बात करते हैं। आ जाए, आ जाओ भाई, आ जाओ। डाली भाई का जो मंदिर का जो छोरा है वो आ चुका है। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे सीधा जो मुफ्ती साहब की जो दरगाह है, इससे अपन सीधा जाएंगे और मुफ्ती साहब की दरगाह से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर थोड़ा सा अपन चलेंगे। जमजम होटल का आपने बताया होगा, जमजम होटल वाली लेन में इनका आरबी चिकन हब है, तो चलिए सीधा वहाँ चलते हैं और वहाँ चल के ज़बरदस्त क्रिस्पी चिकन और मटकी चिकन ट्राई करते हैं। ये देखिए, चलिए भाई, ये देखिए जमजम होटल का हमने बनाया था। यहाँ से अपन सीधा जाएंगे तो बस वहाँ पे इनके आरबी चिकन हब है। आ जाए, ये देखिए हम लोग यहाँ आ चुके हैं इनके आरबी चिकन हब पे और यहाँ हम लोग इनका, जैसे मैंने आपको बताया है, दो चीज़ें ट्राई करेंगे। तो चलिए सीधा ये चलते हैं और जहाँ चल के बात करते हैं आरबी चिकन हब। लोग यहाँ पे आ चुके हैं आरबी चिकन हब पे, जैसे मैंने आपको पूरी लोकेशन बता दी है, तो चलिए यहाँ पे पूरा आपको मेन्यू दिखाते हैं। फिलहाल हम लोग जैसे यहाँ के ओनर थे उनसे मेरी बात हुई, एक तो हम लोग दो टाइप की क्रिस्पी खाएंगे, एक तो उनकी चीज़ वाली है और एक प्लेन क्रिस्पी, एक चिकन लॉलीपॉप है और एक इनका मटकी चिकन है। चलिए अंदर चलते हैं, देखिए एकदम इन्होंने ज़बरदस्त बनाया हुआ, ओपन एकदम यार। और किचन सबसे बड़ी बात है कि किचन है जो एकदम ओपन है, आपके सामने सब ये चीज़ें बनाएंगे और एकदम साफ, मतलब इसमें जब ओपन किचन होता है तो इसका ये मतलब है कि बहुत साफ़ सुथरा ये लोग काम करते हैं। चलिए ओनर से मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम साहब, क्या नाम है सर आपका? अब्दुल रहीम साहब, कितना टाइम हो गया अपने को ये स्टार्ट किया हुआ? ये लॉकडाउन से पहले किया था। लॉकडाउन से पहले आपने स्टार्ट किया था? बंद हो गया लॉकडाउन में। हाँ हाँ, तकरीबन मिला जुला के तीन साढ़े तीन साल। हो गए इसमें। तो जैसे आपने बताया अभी वो मटकी चिकन बहुत फेमस है ना, तो वो हम लोग ट्राई करेंगे और दो तीन चाइनीज़ के आइटम ट्राई करेंगे। पूरा मेन्यू आपको दिखाते हैं, फिर देखते हैं कि यहाँ पे ये अब्दुल रहीम साहब कैसे बनाते हैं और पूरा आपको बताएंगे कैसे बनते हुए और फिर हम लोग ट्राई करेंगे। चलिए अंदर आ जाए, कहाँ बैठे भाई साहब? चलिए आ जाए। चिकन आपका जो मेन्यू है वो हमारे सामने है, देखिए इनके पास में तवा चिकन और जो प्राइसिंग है, जो अगर आप बात करेंगे तो काफ़ी रीजनेबल है। आपको मुगलई चिकन मिल जाएगा, आपको यहाँ पे स्टार्टर्स भी काफ़ी सारे मिल जाएंगे। तो चलिए पूरा मेन्यू आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ऑर्डर दे देंगे और फिर चलेंगे किचन में। ये देखिए इनका आरबी चिकन आपका जो मेन्यू है हमारे सामने है, देखिए तवा चिकन आपको क्वार्टर, हाफ और फुल की प्राइसिंग, देखिए प्राइसेस काफ़ी रीजनेबल हैं। देखिए हम लोगों ने इनका जो मटकी चिकन है, जैसे इसमें लिखा हुआ मटकी चिकन ट्राई करेंगे, 250, 450 और 850। उसके बाद इनके जो स्टार्टर्स हैं, स्टार्टर्स में भी आपको देखो चिकन टिक्का में भी क्वार्टर, हाफ और फुल मिल जाएगा। मतलब जैसे बहुत सी जगह क्या होता है कि एक प्लेट मिलती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। मलाई टिक्का है, रोस्टेड चिकन है, चिकन दाना है, समोसे हैं, मतलब बहुत ही लिमिटेड मेन्यू है, लेकिन जो भी इन्होंने आइटम रखे हैं वो सारे टॉप क्लास है। मतलब जो छठे में जो आइटम होते हैं ना वो सारे इन्होंने रखे हैं, बड़ा मेन्यू नहीं किया है इन्होंने। चाइनीज़ में देखिए आपको क्रिस्पी चिकन, चीज़ क्रिस्पी लॉलीपॉप मिल जाएगा, चीज़ लॉलीपॉप है, चिली चिकन है, चिकन चाउमिन है, उसके बाद एग के भी आपको काफ़ी सारे आइटम मिल जाएंगे। देखिए यहाँ एग टुकड़ा मिल जाएगा, बटर ऑमलेट मिल जाएगा आपको, बॉयल एग मिल जाएगा, साथ साथ में आपको रोटी और चिकन पुलाव भी मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग जैसे एक तो इनका मटकी चिकन लेंगे, हाफ क्रिस्पी चिकन लेंगे और एक लेंगे चिकन लॉलीपॉप। चलिए ट्राई करते हैं। तो ये देखिए अब हम लोग कहाँ यहाँ पे बनाएंगे, भाई साहब बनाएंगे। चलो चले अंदर चलते हैं किचन में। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है साहब आपका? रिजवान साहब, क्या आप पहले क्या बनाओगे हमारे? पहले चाइनीज़ के आइटम बना दो। क्रिस्पी बनाएंगे ठीक है, बनाए क्रिस्पी चिकन बनाए। ये देखिए एकदम इनका जो किचन है वो एकदम बाहर है और यहाँ पे एकदम हाफ खुली हवा में खाना बनाए। देखिए क्रिस्पी चिकन हमारी ये फ्राई हो रही है और साथ साथ में इनका चिकन लॉलीपॉप है। देखिए यहाँ पे ये लॉलीपॉप है, ये क्रिस्पी है, ये सब चीज़ें आपको ट्राई करनी तो आपको आरबी चिकन हब पे आना पड़ेगा। इनकी लोकेशन हमने आपको बता दी है,
और यहाँ आके आप ज़रूर ट्राई करें आप, क्योंकि जैसे जिस हिसाब से इन्होंने ये मैनेजमेंट किया हुआ है मुझे लग रहा है कि बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। चलिए साहब बनाएं। ये देखिए सबसे पहले हमला हमारे जो चाइनीज़ की जो स्टार्टर है वो बनाएंगे। देखिए प्याज टमाटर, और प्याज टमाटर की जो कटिंग है इन्होंने एकदम फ्रेश करके रखी है, ऐसा नहीं कि इन्होंने सुबह से काट के रखा, लेकिन एकदम प्रॉपरली। देखिए ये लहसुन अदरक ये पूरा पेस्ट नहीं है जी, ये देखिए ये देखिए थोड़ी सी इसमें सॉस चली गई, मसाले चले गए, क्या बात है। ये ग्रीन चिली, रेड चिली, ये देखिए क्रिस्पी आ गई हमारे, और ये देखिए क्रिस्पी चिकन। क्या बात है, कलर देखो यार, ये स्प्रिंग अनियन चले गए इसमें, प्याज कुली और धनिया। ये देखिए जो भी इन्होंने मसाला बनाया था पूरा इस पर रैप हो गया, और ये हमारी क्रिस्पी चिकन रेडी है। अब हम लोग इसको ट्राई करेंगे, क्या बात है। चलिए तो साहब हमारे क्रिस्पी तो आपने बना दिया, अब क्या बनाएंगे अपन? लॉलीपॉप। पहले हम लोग सोच रहे थे कि चीज़ क्रिस्पी भी ट्राई करेंगे, लेकिन मैंने कहा ज़्यादा हो जाएगा यार, तो बस फिर हम लोग सिर्फ लॉलीपॉप इनका ट्राई करेंगे। देखिए क्या बात है, ये देखिए अब सारे मसाले चले जाएंगे इसमें। अच्छा मैं पूछता, ये देखिए तो ये क्रीम भी चला गया इसमें, और ये हमारी जो लॉलीपॉप की जो ग्रेवी वो ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है। तो अब्दुल रहीम साहब कहाँ चले गए, आप क्या बता रहे थे? वैसे तो आपका आपने कहा ये मेरा हम लोगों का पार्ट टाइम जॉब है, आप तीनों भाई हैं? तीनों रियल ब्रदर हैं। आप जैसे ये तो अपन शाम को चालू करते होंगे ना, वैसे क्या अपना क्या मतलब क्या रहता है, मतलब आप सुबह क्या करते हैं? सुबह में हम लोग पढ़ाते हैं, ये भाई पढ़ते हैं। ये पढ़ते हैं? मैं पढ़ाता हूँ, बिलाल भाई पढ़ाते हैं। कहाँ, आप कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं? मैं दारुलूम में पढ़ाता हूँ। दारुलूम में पढ़ाते हैं, अच्छा अच्छा और आप? मैं कलम इंटरनेशनल स्कूल में। क्या बात है, मतलब उसके बाद आप ये सब काम करने के बाद आप यहाँ पे आके अपना खुद का काम करें, तो अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, और आप ऐसे ही काम करते रहें, और हम इतना ज़बरदस्त खाना खिलाते रहें। ये देखें ये जो ग्रेवी इन्होंने बनाई थी, देखिए पूरी लॉलीपॉप पे रैप हो चुकी है। अब बस थोड़ी देर में हम लोग इसको ट्राई करेंगे, दोनों चीज़ें हम लोग ट्राई करेंगे, क्रिस्पी और लॉलीपॉप, और उसके बाद इनका जो ज़बरदस्त जो मटकी चिकन है मेन कोर्स में वो भी हम लोग ट्राई करेंगे। ये हमारा लॉलीपॉप रेडी है, इसको ट्राई करते हैं, और क्रिस्पी चिकन भी रेडी है, सब चीज़ ट्राई, उसके बाद फिर हम लोग मेन कोर्स ट्राई करेंगे। भाई साहब चिकन उन्होंने पैक करिया तो चलो, हमने आपको बंदे बता दिए, अब हम लोग ट्राई करेंगे। अब्दुल रहीम साहब लेके आए हैं, जो कि सुबह टीचिंग का भी काम करते हैं यार, और ये हमारा लॉलीपॉप प्लेट दे दें आप मुझे प्लीज़, वो ट्राई करते हैं। देखिए एकदम लंबी लंबी इन्होंने कटिंग की, और ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी यार, देखो इसको। वाकई में बहुत ज़बरदस्त यार, सबसे बड़ी बात इन्होंने जो मैरिनेशन किया ना वो एकदम अंदर तक गया हुआ, ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट है, और लंबी लंबी इन्होंने फिंगर कटिंग की हुई, देखिए ये देखिए
ये चीज़ आपको ट्राई करनी तो आपको यहाँ अरबी चिकन हब पाना पड़ेगा। चलिए ये ट्राई करता हूँ, उसके बाद उसके साथ साथ में इनका जो क्रिस्पी चिकन है वो तो हम लोगों ने ट्राई कर लिया। अब बारी इनकी जो लॉलीपॉप की, वो देखिए साइज़ देखो यार, लॉलीपॉप की गर्मा गर्म है यार, एकदम गर्मा गर्म ये देखो, और काफ़ी क्रीमी है। इसको टेस्ट करता हूँ यार, चटपटा है, ज़बरदस्त लेस कम्पेयर टू क्रिस्पी चिकन, ये ज़्यादा चटपटा है वाकई में ज़बरदस्त। दोनों चीज़ें बहुत ज़बरदस्त यार, ये क्रिस्पी और ये लॉलीपॉप। चलो लॉलीपॉप ट्राई करते हैं। दोनों में मसाला एकदम अंदर तक गया हुआ यार, जबरदस्त। ये देखो पूरी गली भी है, चलिए पूरा ये दोनों चीज़ें ख़त्म करते हैं, उसके बाद चलेंगे इनके किचन में और देखेंगे मटकी चिकन कैसे बनाते हैं ये। तो रिजवान साहब, आपकी क्रिस्पी चिकन तो वाकई में ज़बरदस्त थी, मैं मकराना में शूट किया था उसकी याद आ गई मेरे को, मतलब ये क्रिस्पी चिकन वहाँ ज़बरदस्त में मिलती है वो कि वो, जबकि उससे अच्छी आपने टेस्ट दिया माशाल्लाह। हम लोगों को लॉलीपॉप भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्रिस्पी का वाकई में लॉलीपॉप का मसाला भी चटपटा था, मस्त था। अब आप हमारे लिए क्या बनाएंगे? मटकी चिकन बनाएं। तो अब हमारा मेन कोर्स की बारी है, मटकी चिकन, जो कि यहाँ के जैसे अब्दुल रहीम साहब ने बताया था कि बहुत ज़बरदस्त है हमारा यहाँ का जो मेन कोर्स है वो। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग मटकी चिकन बनाएंगे, और ये देखिए ग्रेवी देखो आप। ये पूरा किचन का ये बनाने का ये मकसद ये होता है कि आपको पता चले कि भाई कहीं भी हम लोग जाते हैं वो कितना साफ़ सुथरा काम करें, मतलब जो इन्ग्रीडियंट्स वो यूज़ करें। ये देखिए ये चिकन का कीमा चला गया, प्याज की कटिंग चली गई इसमें, टमाटर चले गए इसमें। इसको थोड़ी देर हम लोग इसको जो ऑयल है उसमें थोड़ी देर उसको भुनेंगे। ये देखिए अगर ये सब चीज़ें आपको ट्राई करनी तो आपको आरबी चिकन आप पे आना पड़ेगा। मैंने आपको पूरी लोकेशन बता दी है, जैसे अपन मुफ्ती साहब की जो दरगाह है उससे अपन अंदर की तरफ जाते हैं तो जमजम होटल आती है, उससे बस थोड़ा सा आगे जाके उसी लेन में ही है लोकेशन। फिर भी मैं देखूंगा, इनसे पूछेंगे अब्दुल रहीम साहब से, रिजवान साहब से, कि गूगल पे ये लोग हैं या नहीं है, ताकि आपको अगर वो हो जाएगा फिर आसानी से आप यहाँ पे आ सके। देखिए ये किसकी ग्रेवी है, किसकी बनी हुई है, टमाटर की है ना। देखिए टमाटर की ग्रेवी पूरा ये बनेगा, सारे मसाले चले गए इसमें। देखिए क्या बात है, मतलब ये क्रीम चला गया इसमें, क्रीम की क्वांटिटी देखो यार क्या बात है। और ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप देखिए वो सारी चीज़ें मतलब टॉप क्वालिटी की ये लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है भाई साहब, काजू का पेस्ट, काजू का पेस्ट चला गया इसमें। ठीक है कलर देखो यार, कलर क्या बात है, कितना क्रीमी लग रहा है ये, अमूल बटर काफ़ी रिच होने वाला है यार ये, तो हम तो डाइटिंग करने का सोच रहे हैं, पतले ही नहीं हो रहे, क्या करेंगे, जब ऐसे ऐसे खाने खाने को मिलेंगे तो मुश्किल हो जाता है पतला होना। ये कसूरी मेथी, ये चिकन चला गया, ये देखिए इसको गार्निश भी कर लिया है, जबरदस्त लग रहा है यार क्या बात है। ये देखिए इसमें एग चला गया, चिकन चली गई, एग चला गया, और उसको एग को भी हम लोग पूरा उसको ग्रेवी में रैप कर देंगे ताकि आराम से इसमें टेस्ट चला जाए। ये देखिए क्या बात है, कलर देखो यार, कलर से जो खाने वाले लोग होते हैं उनको पता चल जाता है कलर से कि खाना कितना टेस्टी बना होगा। ये हमारी मटकी है, लो
ये देखिए क्या बात है यार, ये देखिए ये हमारी हांडी पैक हो चुकी है। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं और बताते हैं हमको कैसा लगा। हमारी जो इनकी जो स्पेशल जो चिकन मटकी है उसकी देखिए, चलो इसको खोलते हैं। कलर देखो यार माशाल्लाह ज़बरदस्त, ग्रेवी के कलर से पता चल जाता है देखिए। तो चलिए इसको ये एक पीस लेता हूँ मैं, और काफ़ी भुनी हुई है देखिए ज़बरदस्त। साथ में मैं बॉयल एग मेरा फेवरेट है, तो बॉयल एग भी मैं इसको ले लेता हूँ, थोड़ी बहुत ग्रेवी। तो चलिए इसको ट्राई कर देखिए, एकदम बटर में गच करके ये रोटी लेके आए हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो चलिए मेरे को थोड़ी सी नरम चाहिए यार, ये मैं ले लूँगा, ये सॉफ्ट है। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं, बताते हैं हमको कैसा लगा। माशाल्लाह ज़बरदस्त बनाया यार। इसमें इन्होंने टमाटर की जो ग्रेवी है वो ज़्यादा यूज़ की, और साथ साथ में जो काजू का जो पेस्ट यूज़ किया उससे काफ़ी रिच हो गया। क्रीम की इसमें जो मात्रा है उसमें काफ़ी उन्होंने यूज़ की, ऐसा नहीं कि इन्होंने ये सब चीज़ें यूज़ की तो कम स्पाइसी हो गया। स्पाइसी मतलब जो स्पाइसी लेवल जो खाने जैसा होता है मज़ेदार वाला वो उसमें आ रहा है, और आपको ये चीज़ यहाँ पर आके ट्राई करनी चाहिए। मतलब आपको इतनी कम प्राइस में इतना ज़बरदस्त खाना ये खिला रहे हैं अरबी चिकन आप पे। चलिए पूरा ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर बिल देंगे और फिर हम लोग वीडियो ख़त्म करेंगे बस। माशाल्लाह हम लोगों का यहाँ पे अरबी चिकन आप पे जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा। अब्दुल रहीम साहब ने हमको बुलाया, माशाल्लाह आपका क्रिस्पी चिकन तो एक नंबर है, क्रिस्पी चिकन चाइनीज़ के दोनों आइटम अच्छे थे, और जो मटकी चिकन जो हमने ट्राई किया ना वो काफ़ी क्रीमी था, और उसमें जो ग्रेवी थी वो एकदम ज़बरदस्त भुनी हुई थी। तो मैं सारे जो भी सब्सक्राइबर हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे अरबी चिकन हब पे आप ज़रूर आएँ। पूरी लोकेशन हमने बता दी, वैसा आते वैसा बता दिया, और सबसे बड़ी बात जो प्राइस है वो भी काफ़ी रीज़नेबल है। चलिए बस यहाँ पर हम लोग हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह जिंदगी रहे तो फिर मुलाकात होगी। शादाब टॉक्स को देखते रहे, और हाँ अपनी सेहत का ध्यान रखें, बिकॉज लाइफ इज़ अ गिफ्ट। अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, अल्लाह।